हेलो गाइस, तो मैं आप सबके सामने एक बहुत ही काम की वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ये वीडियो है हमारे मोबाइल के SMS जो रहते हैं उनको कैसे डेस्कटॉप पे लेके आया जाए, वो विदाउट एनी दिक्कत, यानी बिना किसी परेशानी के आप कैसे मैसेज को अपने किसी भी डेस्कटॉप डिवाइस पे देख सकते हो, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी डिवाइस के, आप सिंपली मोबाइल के मैसेज डिवाइस के थ्रू ही। तो भाई, हम जो ये बात कर रहे हैं आपको अटपटी तो लगेगी, पर कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले तो अपना जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसमें देखिए, आपको ये पेज खोल लेना है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसका है messages.google.com.web। ये आपका जैसे आप डालोगे कहीं पर भी इतना ही डाल दीजिए आप, Ctrl+C Ctrl+V एंड कब। तो या ये जो है ऑथेंटिकेशन पे पहुंच जाएगा। तो अब जो आपका मोबाइल डिवाइस है उसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि भी आपका जो मैसेंजिंग ऐप है वो कौन सा है। तो इसका जो ऐप का आइकॉन है वो ऐसा वाला है, तो आप बहुत इजीली उससे इस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। और आपके पास अगर ये वाला ऐप नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से मैसेजेस गूगल वाला, जो कि मेरे डिवाइस में इंस्टॉल्ड है। नाम उस ID पर का है सोनू यादव 7566, वो यहाँ पर लॉगिन होनी चाहिए और मोबाइल में भी। ठीक है, तो ये बात हमारी यहाँ ख़त्म हो जाती है, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये बात समझ में आती रहे पूरी। तो इसके अनुसार हमें मोबाइल को खोलना है, 3 पे टैप करना है, इसके बाद मैसेजेस फॉर वेब नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं इस पर यहाँ पर कर देता हूँ, वहाँ पर QR स्कैनर का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर गॉट इट कर लेते हैं, एंड मैं मेरी डिवाइस के ऊपर इस पर ऑनलाइन आने की कोशिश करता हूँ। अगर ऑनलाइन आ जाता मतलब आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगी मेरे डिवाइस की भी यहाँ पर, तो उससे आपको भी बहुत आसानी होगी, तो करता हूँ कोशिश। अदरवाइज तो ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है मेरा, जिस डिवाइस पे मैंने मैसेज करने वाला हूँ वो डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको जो करना रहता है देख लीजिए आप, आपको यहाँ पर ये जो मैसेज वाला है, यहाँ आप ये देखिए ये वाला जो मैसेज वाला है ये आपके में होना चाहिए, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है मैसेज फॉर वेब। इसके बाद आपको देखिए ये लिंक जो है आपको कंप्यूटर पे खोल लेनी है, एंड QR कोड स्कैनर जो कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है इसको स्कैन कर लेना है, एंड आपके पास ये खुल जाएगा। तो अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको प्रोसेस दिखाई थी, अब मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि वर्क करता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, ये डिवाइस मैंने इंटरनेट से कनेक्ट रखा है, ये भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये आपके एक कंपल्सरी चीज़ हो जाती है। तो मैं अनदर डिवाइस से एक और बार हाई मैसेज भेजता हूँ, तो उसके लिए मैं एक बार देखिएगा आप, ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला है इसको खोल लेता हूँ, इसमें भी इसी को खोलता हूँ मैं। ये देखिएगा लगभग 5 सेकंड के अंदर मेरे पास मैसेज आ गया है। तो यहाँ देखिए दोनों साइड लगभग एट द सेम टाइम पे मैसेज आ गया हमारे पास। तो अब आप इस कंडीशन में बहुत इजीली जो आपके पास मैसेज आते हैं उनको अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। और ओवरऑल बस आपका आपका मोबाइल रख देना, अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई इंटरफेयर करे, बार बार मैसेज कर रहा है, तो आप सिर्फ आपके मोबाइल एक बार स्कैन कीजिए और अपने कंप्यूटर में एक बार इसको खुला छोड़ दीजिए। सिर्फ उसके लिए आपको ये करना है कि यहाँ पर ये जो रिमूवर दिस कंप्यूटर है इसे अनेबल कर देना है। जैसे आप ये कर देंगे तो आपका जो डिवाइस है वो इसमें सेव हो जाएगा, एंड फिर इसके बाद से आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस चीज़ को बंद करना चाहते हैं तो उसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको साइन आउट ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप रात में यूज़ कर रहे हो तो आपको एक डार्क थीम भी मिलती है जो बहुत अच्छी लगती है देखने में, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कई सेटिंग्स भी मिल जाती है, डार्क थीम ये सब आपको सेटिंग्स मिलने वाली है। तो इसके अलावा आपको इतने ज़्यादा कुछ फीचर अभी नहीं मिल रहे क्योंकि ये अभी ही शुरू हुआ है कुछ ही टाइम पहले। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली, एंड आफ्टर यूजेस आप अपना रिव्यू एक बार मुझे भी दीजिएगा कैसा लगा आपको ये फीचर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको
अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है, और शेयर करने के बाद उन्हें कहना है कि भैया वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।